हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के डेट में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन पे एक लंबी चौड़ी बहस हुई है, बातें हुई है, बैठक हुई है सीबीटी की, उसी सीबीटी के बैठक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सीबीटी की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक कितने लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इस सीबीटी की बैठक पर टिका हुआ था। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीबीटी की बैठक में क्या निष्कर्ष लिया गया, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एक मंशा थी, जो एक लालसा थी, जिज्ञासा थी, क्या वो सब कुछ इस सीबीटी की बैठक में हो पाई है अथवा नहीं हो पाई है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए और आपको लगता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जेन्युइन जानकारी आपको मिलती है, तो ओमिटेक चैनल को सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में सीबीटी की बैठक हुई थी, जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बड़े अपडेट आने थे। ऐसा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक उम्मीद थी, साथ ही साथ में एक ऐसा माहौल भी बनाया गया था। सबसे पहले तो आप देखिए, कुछ पेपर की कटिंग को दिखा के मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल बनाया गया था। दूसरे नंबर पे काफी महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारक के साथ में वहाँ पे जो 8 सदस्यीय टीम गई थी सीबीटी के सदस्यों के साथ में मुलाकात करने के लिए, तो बखूबी उनको बाइज्जत जो तो उनको अंदर तक ले जाके उनसे हाथ भी मिलाया गया और साथ ही साथ में उनके द्वारा जो तो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन को लिया गया और प्रभावशाली ढंग से सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया था। इससे तो साफ स्पष्ट और प्रतीत यही हो रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जो एक उम्मीद ईपीएस 95 पेंशन धारक लगाए हैं वो पूरा होने वाला है, साकार होने वाला है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि एजेंडा क्या था। तो एजेंडा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित जो मामला था, उस मामला पे बात करना, ये सीबीटी की जो बैठक थी उस बैठक का एक एजेंडा भी था। तो लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं कि चर्चा क्या क्या हुआ है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा क्या हुआ और कहाँ पे नुकसान हुआ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या मिला क्या नहीं मिला, ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या पाए और क्या खोए। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कल सीबीटी की बैठक में कुछ अहम जो तो पॉइंट रखे गए, सिर्फ और सिर्फ मैं और बहुत सारे जो पॉइंट और थे उन पॉइंटों को अवॉइड करता हूं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पॉइंट थे, मेन मुद्दे की बात, वो मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। पहले नंबर पर डिक्लेरेशन फॉर्म पर चर्चा हुई है। देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित था, जहाँ पे फॉर्म अवधि बढ़ाने की बात सामने रखी गई है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, आगे की बात करते हैं। डीए पर चर्चा हुआ है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डीए यहाँ पे उनको मिलना चाहिए, वो डीए पे बात हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर पेंशन में वृद्धि होती है तो डीए भी बढ़ के उनको दी जाएगी। साथ ही साथ में मेडिकल पर चर्चा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा से वंचित किया गया है, रखा गया है, तो उन्हें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा के अभाव में नहीं रहेंगे, वो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक मेडिकल सुविधा पाएंगे। साथ ही साथ में फार्मूले पर चर्चा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने फार्मूला की बात किया था, जिक्र किया था और फार्मूले को लेके हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो तो एक प्रकार से बात की जा रही थी कि अभी तक फार्मूला सामने नहीं निकल के है, तो फार्मूले पर भी चर्चा हुआ है। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कैसे कब तक में पेंशन की राशि मुहैया करवानी है सुचारू रूप से, प्रभावशाली ढंग से, कि ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न आए और सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि सही समय पे मुहैया हो जाए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। अब उसमें और था कि ईपीएफओ के विकास के ऊपर ध्यान देना था कि ईपीएफओ का विकास किस प्रकार से किया जाए, ईपीएफओ को और बड़ा बनाने से संबंधित था, सही तरीके से लाभ सभी जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो मेंबर्स हैं और साथ ही साथ में
जो भी ईपीएफओ के मेंबर हैं उनको सही तरीके से लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जाए। और वो इसमें यह था कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में जो कई तरह की बातें आती हैं, तो वो ऐसी एक वेबसाइट के माध्यम से वहां पे उनको लिंक कर देंगे कि वो उनकी जो गलत फहमियां हैं सब कुछ वहीं पे दूर हो जाएंगी और जो भी डायरेक्ट ईपीएफओ की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबके पास चला जाएगा। इस प्रकार के तरीके की भी ईजाद करने की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ में लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक यानी कि जो ईपीएफओ के बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हों या चाहे जो उनके सेवा में जुड़े हुए हैं, उन सबको किस प्रकार से जैसे लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित हो गया या उन तक स्टेटमेंट पहुंचाना हो गया या उन तक कोई भी जानकारी देनी होगी या उनसे कोई जानकारी लेनी होगी, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ काम यहाँ पे किया जाएगा। आसान तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आसान भाषा में, आसान तरीके से, आसान पैटर्न में कुछ ऐसी वेबसाइट का भी जनरेट किया जाएगा जहां से सभी को लाभ मिलेगा, इसके ऊपर भी बात किया गया और ऑनलाइन को और आसान तरीके से बनाने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ में जो हमारे वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी सुधार की आवश्यकता जिसको जहां जैसी पड़ती है उसके ऊपर भी बात किया गया। उसके लिए जो अतिरिक्त पैसा है, क्लेम है, किस प्रकार से करना कराना है, इसके ऊपर भी बात कही गई है। इंश्योरेंस से संबंधित भी बातें हुई हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो हो चाहे जो ईपीएफओ के मेंबर हैं उनके इंश्योरेंस से संबंधित भी कुछ चर्चाएं हुई हैं और साथ ही साथ में क्लेम को लेकर भी चर्चा हुआ है। तो ये तो कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में चर्चा हुई है, लेकिन ये चर्चा हुई है तो इस पर एक निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निष्कर्ष जो निकला है यानी कि किस पे सहमति और किस पे सहमति नहीं जताई गई है वो चीजें निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें मिलेगी कहां से, एक या दो दिन के अंदर में इस पे जो तो स्पेशल जो तो रिपोर्ट चार्ज जो अपना रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बना के सबमिट किया जाएगा तो वहां से मालूम पड़ेगा, या तो फिर आगे चल के जब यहाँ पे जो भी चाहे शीतकालीन सत्र में जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान ये जो तो रिपोर्ट वहां प्रस्तुत करेंगे लोकसभा के पास में, विधानसभा जहां भी ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जहां भी से भी इनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां ये लोग सबमिट करते हैं तो वहां से भी हमको जानकारी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, यही था अपडेट कुल मिला के। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सच में खुशखबरी भरा मैसेज है, एक अच्छा अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पॉजिटिव एक मैसेज है। और दोस्तों आज था 1 नवंबर और आज ईपीएफओ का स्थापना दिवस है, तो आज के डेट में क्या अपडेट है शाम की वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आज करवा चौथ है और करवा चौथ के बड़े जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जो लोग भी इस पर्व को मनाते हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और करवा चौथ की वजह से मैं भी थोड़ा सा व्यस्त ही रहूंगा, तो मैं मुलाकात करता हूं कल के वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।